नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश। मैं हूं प्रिया। और हम लोग देने आए हैं दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पल पल सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे, दीपावली पर यही हमारी शुभकामनाएं। दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, लर्न मोर चैनल की ओर से और मेरी भी ओर से। दीपावली में जितनी मिठाइयाँ खानी उतनी खाओ, लेकिन फटाके मत फोड़ो, उससे प्रदूषण भी होता है और साथ ही में अगर हाथ जल गया तो आप हॉस्पिटल में भी चले जाओगे। मिठाइयाँ ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन आप बाथरूम में नजर आओगे। मजाक कर रहा हो भाई, लेकिन आप जितनी मिठाई खाने उतना खा लो, लेकिन फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण मत करो। ये एक मैसेज देना चाहता था मैं आपको, और साथ में दीपावली की शुभकामनाएं भी मुझे देनी थी लेकिन मैंने दे दी। लेकिन आज कुछ दीपावली के अवसर पे कुछ धमाकेदार एक्सेल में सीखते हैं। आज का कुछ स्पेशल धमाका मैं लेके आया एक्सेल के अंदर, तो कौन सा है वो टॉपिक, इसको देखने के लिए चलना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लेट्स बिगिन। कोई नहीं कर पाएगा आपका डेटा कॉपी पेस्ट, ये वीडियो है सबसे बेस्ट। ये आपने टाइटल तो पढ़ा होगा दोस्तों। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शन करने के बाद भी, जैसे मैंने प्रोटेक्ट शीट का लास्ट वीडियो बताया था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी डेटा आपका कॉपी पेस्ट अगर कर लेता है तो कॉपी पेस्ट रेस्ट्रिक्ट कैसे करें, यानी कि आपका डेटा कोई भी एक्सेल की फाइल से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, आज की वीडियो में ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपको वो दिखाने के लिए, लेकिन पहले एक्सेल की फाइल तो स्टार्ट कर दूँ। ओके, यहाँ पे हो चुकी है एक्सेल फाइल स्टार्ट। दोस्तों ये ब्लैंक फाइल है, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डालता हूँ तो कंटेंट के अंदर अगर कोई भी कंटेंट है, सपोज मैं कंटेंट वाली फाइल, मतलब यहाँ पे कोई भी कंटेंट वाली फाइल ही ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन करने के लिए फाइल में, ओपन में जाकर यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर करके एक फाइल है जो ओपन कर रहा हूँ जिसके अंदर कंटेंट है। तो कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंटेंट मैं चाहता हूँ कि मैं किसी क्लाइंट को शेयर करूँ या फिर मेरे किसी भी सपोज कलीग के साथ शेयर करूँ, तो वो इसे कॉपी पेस्ट ना करे। तो ये एक सवाल था एक्चुअली मेरे एक व्यूअर किरण दीप जी का, तो मुझे इसका सोल्यूशन मिल चुका है। चलिए देखते हैं कि ये कॉपी पेस्ट, मतलब डेटा कैसे कॉपी पेस्ट से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम किसी को भी। तो उसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल कोड है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल कोड यानी कि मैं कोड डायरेक्टली यहाँ पे नोटपैड की फाइल आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोड ऑलरेडी मैंने ले लिया है, ये गूगल से मैंने ले लिया है, गूगल पे ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन अभी मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, क्योंकि ये कोड से क्या करना है आपको समझ में आएगा। इस कोड को पूरा का पूरा जो नोटपैड में दिखाई दे रहा है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कीजिए और कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कीजिए। तो कॉपी करने के बाद हमारे वर्कबुक में चले जाना है जहां पे एडवांस फिल्टर ये फाइल ओपन है, इसमें मैं अल्ट F11 प्रेस करूंगा। दोस्तों अल्ट F11 प्रेस करने से विजुअल बेसिक की विंडो आती है और उसके अंदर यहां पे दिखाई दे रहा है आपको दिस वर्कबुक, दिस वर्कबुक पे राइट क्लिक करके व्यू कोड करेंगे। दोस्तों राइट क्लिक करके व्यू कोड करने के बाद आपको यहां पे करना है ये पेस्ट, जो आपको बोर्ड दिख रहा है कोड जिसमें हम लोग लिखते हैं ये व्हाइट बोर्ड, इसमें हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी प्रेस करना है पेस्ट के लिए, फिलहाल तो कॉपी पेस्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। तो यहां पे ये कॉपी पेस्ट कर लिया है मैंने, और अब मैं क्या करूंगा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कोड मैंने यहां पे किया है, इसके बाद इस फाइल को फाइल में सेव एज ऑप्शंस में जाना है, यानी कि सेव एज आप F12 बटन से भी कर सकते हैं। तो चलिए F12 बटन में प्रेस कर दूंगा, तो यहां पे आ रहा है एक डायलॉग बॉक्स, इस फाइल को दूसरा नाम दे रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट रेस्ट्रिक्ट करके नाम दे रहा हूं अभी, नाम टाइप करो फाइल का। तो फाइल का नाम टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, करना क्या है, फाइल का एक्सटेंशन चेंज करना है, क्योंकि ये फाइल अभी एक्सेल फाइल नहीं है, ये मैक्रो इनेबल फाइल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मैक्रो इनेबल सेव करेंगे। तो फाइल सेव एज टाइप चेंज किया मैंने, मैक्रो इनेबल जो हाईलाइट करके मैंने आपको दिखाया, और इसे सेव कर दो। अब जब दोबारा मैं इसे ओपन करूंगा, इस फाइल को दोबारा मैं फाइल से ही ओपन कर देता हूँ, मतलब इसे क्लोज करके मैं ओपन कर देता हूँ, क्लोज किया मैंने और फाइल ऑप्शन से मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल W शॉर्टकट की यूज करो और फाइल ऑप्शन में जाकर दोबारा ओपन में, रिसेंट में ये फाइल दिखाई दे रही है, ओपन किया मैंने। अब इसमें होता क्या है, आप जब भी कंट्रोल C भी प्रेस करोगे इसको सिलेक्ट करके तो कॉपी नहीं होगा, आप ऊपर से होम टैब से कॉपी ऑप्शन भी क्लिक करते हो, सपोज मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया तो भी आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब ये हाईलाइट तो हो रहा है लेकिन बाजू में क्लिक करते ये पेस्ट नहीं होगा। कोई भी नई शीट भी आप लेते हो तो उसमें भी ये पेस्ट नहीं होने वाला, मैं आपको नई शीट पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एन करके न्यू शीट ली और उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके साइड में रख देंगे हम लोग। यहाँ पे साइड में रखने के बाद यहाँ पे एक शीट है और यहाँ पे एक शीट है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ पुराने डेटा पुराने शीट में से, और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए जाता हूँ तो वो पेस्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो सिलेक्शन रिमूव हो रहा है। तो इस कोडिंग में ऐसा क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए कोड में जाकर देख सकते हैं आप।
तो कोडिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको वीबीए कोडिंग जरा आती है थोड़ी बहुत तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे विंडो एक्टिवेट होने के बाद कट कॉपी मोड जो है वो फॉल्स होगा, शॉर्टकट की भी यहाँ पे किस तरह से वर्क नहीं करेगी, ये सब यहाँ पे कोड दिए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। तो जब ये शीट एक्टिवेट होगा या फिर सिलेक्शन एक्टिवेट होगा शीट के अंदर का, या कोई भी वर्कबुक एक्टिवेट होता है तो इस तरह से होता है। और डीएक्टिवेट यानी कि ये वर्कबुक क्लोज करने के बाद आपका कट कॉपी ऑप्शन चलेगा दोस्तों। जी हाँ, तो ये वर्कबुक के लिए ही स्पेशली, मतलब जो शीट हमने बनाया उसी के लिए ये स्पेशली कॉपी मोड है। तो ये था ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपका डेटा अभी कोई चोरी नहीं कर सकता। मैंने प्रोटेक्ट करना तो पढ़ाया था इसके पहले वीडियो में, प्रोटेक्ट करना मैंने बताया था, लेकिन प्रोटेक्ट करने के बाद भी फाइल को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, मतलब फाइल को यानी डेटा, फाइल के अंदर का डेटा कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो किरण दीप का ये सवाल था कि प्रोटेक्ट करने के बाद भी डेटा कॉपी पेस्ट होता है, सॉरी, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं करता, तो इसके लिए ये सोल्यूशन है जो आज के वीडियो में मैंने बताया। तो थैंक्स टू किरणदीप चौधरी एंड थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स जो जिन्होंने वीडियो देखा है। तो देखा है तो वीडियो अच्छा भी लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही में अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया उस पर भी क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमएस, एक्सेल वीबीए, एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कंप्यूटर के बहुत सारे फंडे। तो चलिए मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए लूंगा आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।